आज फिर से मेरे साथ होप आ गई। अब भी मैं चोगी को लेके निकला था घुमाने के लिए। आज भाई लोला भी आ गई है, बुलबुल भी आ गई है। जैसे मैं आधे रास्ते पे आ गया, ये लोग पता नहीं भाई कहाँ से आ गए पीछे से, जबकि मैंने बंद करके आया तो जोगी को निकाल के आया था। और अभी मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ थोड़ा सा, ताकि मैं एक बार देख रहा हूँ, पता चले वहाँ पे जाके भाई फिर से कोई खो जाए, फिर से ढूंढना पड़े। पर टहलने के लिए आया था, कोई भाई बोल रहा था वो गाय देखने के लिए, तो मैंने कहा एक बार राउंड वहाँ पे भी मार दूंगा और अगर होंगी तो आपको दिखा भी दूंगा। बट भाई आज प्रॉब्लम ये हो गई कि ये तीनों आ गई है मेरे साथ। यहाँ पे है ये लोला, वो जा रही है वहाँ पे बुलबुल और होप, और इन दोनों की पता नहीं क्या आदत है भाई, ये मुझसे बहुत आगे आगे चलती है और बहुत दूर निकल गई थी अभी, इसीलिए मैं रुका था ताकि ये थोड़ी सी पीछे आ जाए। फिर से भाई आगे जा रही है। भाई वो जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है ना सफेद सफेद सी, वहाँ पे भाई एक सुल्तान का बच्चा है। वैसे तो उसका बिहेवियर बढ़िया है, मतलब आदमियों के लिए तो ठीक है, बड़े कुत्तों के लिए काल है ना भाई, वो मेल देखता है ना फीमेल देखता है। अभी मुझे ये चीज याद आई जब मैं इस वाले रास्ते से, बस भाई वो थोड़ी सी दूर पे है। होप देखो, होप आ जाओ, उतना आ जाओ, आ कम कम, थोड़ा सा तेज निकलता हूँ ताकि इन्हें थोड़ा सा दूर ले जाऊं। ये होप अगर भागे भूगे भी तो उस साइड ना पहुंच पाए। जोगी इस वाली मक्का के अंदर बहुत देर से कोई चीज ढूंढ रहा था, और भाई इसके अंदर से नीलगाय का बच्चा निकला बहुत तेज। अरे भाई वो कूदा बच्चा, वो गिर गया, मतलब बच्चा नहीं था, मतलब थोड़ा सा बड़ा था और थोड़ा सा बच्चा ही लग रहा था, और पीछे से भाई जोगी कूदा। कम उम्र का हो सकता है या फिर फीमेल हो सकती है। उससे भाई बुलाता रहा बट वो भाग गया सीधा, बहुत दूर निकल गया, अब तो मुझे दिख भी नहीं रहा है। उसकी इतनी टेंशन नहीं है, वो अपने आप घर आ जाएगा, बट ऐसा लग रहा था मुझे भाई आज ये पकड़ लेगा इसे। मैं बहुत देर से बुला रहा हूँ बट वो भाग गया सीधा, ज्यादा लंबा चला गया उसके पीछे। जोगी वैसे अटैक वटैक नहीं करता है जहां तक मैं जानता हूँ। ये भाई तालाब भी लगभग पूरा भर गया भाई, बहुत से लोगों ने योगदान किया है इसमें। वो खड़ी है गाय बहुत दूर यहाँ से। चलो भाई एक बार जल्दी से चलता हूँ, आपको वो सफेद वाली गाय कोई बोल रहा था तो वो दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद भाई घर ही चलता हूँ। बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, अब मैं रनिंग करते हुए घर जाऊंगा वापस। ये गई गई भाई, ये देखो ये जा रही बुलबुल। भाई अलग ही मजा आता है, इन्होंने नई नई चीजें देखी है ना गाँव में आके। पहले तो ये भाई गुड़गांव में थी तो वहाँ कहाँ देखने के लिए ने रखी थी। ये देखो भाई सामने खड़ी है सारी गाय, बस ये मुझे देख के भागे ना। आज मैं भी बच्चा देखता हूँ क्योंकि मैंने भी काफी टाइम से वो वाला बच्चा नहीं देखा है। वो वाली गाय तो मुझे लग रही है सामने ही। ये देखो काली वाली गाय खड़ी है भाई, ये देखो दो बच्चियां खड़ी है, ये मैंने आपको उस दिन भी दिखाई थी। वो वाला बच्चा एक बार देखते हैं कहाँ पे है। एक भाई देखो ये बच्चा खड़ा है लाल रंग का, ये वाली गाय थी या ये दूसरी है, इसी की तरह कुछ कुछ थी, नहीं ये दूसरी है। एक भाई ये बच्चिया खड़ी है, इससे मैं प्रेग्नेंट समझता रहा, बट ये भाई मेट होती रहती है हर 21वें दिन। एक मिनट मैं वो वाली गाय देखने की कोशिश करता हूँ इसमें कहाँ पे है। अब ये ज्यादातर भाई यहीं पे बैठते हैं, मेरे ख्याल से वो वाली गाय होनी चाहिए इसमें। वो रही शायद, वो जा रही है, वो रही, उसके साथ ही उसका बच्चा होगा। थोड़ा सा मैं आपको पास से आज वैसे दिखा सकता हूँ, बट वो दिखे तो वो दिख रहा है आपको बच्चा, वो रहा सामने। इसकी कुछ चोट लगी है अभी शायद पाए में, पता नहीं क्या। बच्चा वो रहा भाई आपको दिख ही गया होगा सामने। एक गाय बड़े आर्डर वाले जैसी ये खड़ी है, और जो बड़े आर्डर वाली गाय है वो वहीं आगे चली गई। अभी मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा वरना ये भागेंगी, तो मैं यहीं से वापस चलता हूँ। ये जो आपको सामने पेड़ दिख रहे हैं ना, आप ज्यादातर ये यहीं पे बैठती हैं, यहाँ पे ना थोड़ी बहुत छाई मिल जाती होगी, तो ये सारी यहीं पे बैठती हैं ज्यादातर। ये भी ये चीज समझ गई है कि ना तो मैं इन्हें भगाता हूँ ना मैं इन्हें परेशान करता हूँ। ये थोड़ा सा डिस्टेंस तो मेंटेन करके मुझसे रखती है, बट उतना नहीं डरती है। ये इसी तालाब में पानी पी रही है सारी, इसी के अंदर खड़ी हो जाती है, इससे थोड़ी सी इन्हें ठंडक भी मिलती होगी। सारी गाय यहीं पे पानी पी रही है, कितनी अच्छी लग रही है, एक लाइन में पानी पी रही है सारी। ये रही सारी गाय, देखो सभी पानी पी रही है सब। थोड़ा सा और पास से इनके निकलता हूँ ताकि ये मुझसे डरे भी ना, और थोड़ा सा पास में इनके आ पाऊं। ये देखो भाई सभी लाइन से खड़ी हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा बच्चा, वो रहा सामने, नहीं नहीं अभी नहीं, ये रहा इस, ये वाला जो बैल है ना इसके पीछे है बच्चा। एक भाई बच्ची ये रही सामने, ये देखो ये भाग रही है, वो रहा बच्चा भाई, वो रहा। चलो भाई ये डरने लगी है, चलते हैं वापस, छोड़ो। ये देखो भाई सब डर रही है, मैं सोच रहा था भाई नहीं डरेंगी, छोड़ो। चलो अभी इन्हें पानी वानी पीने देते हैं, अब चलते हैं सीधा घर। अब भाई मेरे दो डॉग गायब हो गए, एक तो जोगी भाग गया नील गाय के पीछे और दूसरी बुलबुल भागी थी सारस के पीछे। इतनी वेबकूप है भाई, सारस ऊपर उड़ रहे थे वो नीचे भाग रही थी। अब जोगी का तो ये है कि मुझे पता है कि वो घर तक पहुंच जाएगा आराम से, बट भाई बुलबुल भी आज पहली बार आई है, उसे थोड़ी सी आवाजें मारता हूं मैं, वरना भाई ऐसा ही होता रहेगा, इन्हें मैं ढूंढता ही रहूंगा फिर। तो वो सारी खड़ी हो गई फिर से पानी के पास, अब वो आराम से अपना पानी पिएंगी, और पीना स्टार्ट भी कर दिया उन्होंने। चलो अभी इन्हें पानी वानी पीने देते हैं क्योंकि भाई गर्मी भी बहुत ज्यादा है और इन्हीं के लिए पानी है। लोला आजा जल्दी, कम ऑन, इनकी भाई अलग ही मस्ती स्टार्ट होगी, आ जाओ। आ बुलबुल बुलबुल, एक तो भाई मुझे इनके नामों में बहुत कंफ्यूजन रहता है। बुलबुल भाई वो इधर भाग गई थी सीधा, इस साइड भागी थी। बुलबुल आ, एक बार भाई गांव से बाहर ही भाग गई थी तो घर से थोड़ी दूर थी, उस दिन भी नहीं आ पाई थी, तो यहाँ से भी नहीं आ पाएगी। बुलबुल चलो अभी मैं एक बार देखता हूँ, इसे आवाज आवाज मारता हूँ और फिर मिलता हूँ आपसे घर पे चल के। तो फाइनली भाई आज मैं लाया हूँ अपनी मुर्गियों के लिए प्याज। भाई इस वाले प्याज के अंदर पानी चला गया था उस दिन,
तो इसमें से कुछ प्याज तो थोड़ा सा खराब सा हो गया है, बाकी कुछ प्याज सही है तो वो भी खराब हो जाएगा। तो मैंने सोचा क्यों ना आज भाई मुर्गियों को दावत दे दी जाए। भाई ने प्याज बहुत ज्यादा पसंद है और प्याज भाई फायदा भी करता है, इनके इम्यून सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया होता है। थोड़ा सा मैं फैला देता हूँ बच्चों के लिए, थोड़ा सा प्याज डाल देता हूँ अंदर वाले बच्चों के लिए। उस श्यामा ने कैसी अपनी हालत की है, कितनी ज्यादा गंदी हो गई है भाई। इससे दोनों टाइम पापा नहलाते हैं, इससे क्या भाई सारी गायों को दोनों टाइम नहलाते हैं गर्मियों की वजह से। और देखो भाई अब ये कुछ मैं देख रहा हूँ भाई ज्यादा मक्कारी कुछ करने लगी है। बाकी भाई आप लोग बताना कि त्रिवेणी में कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है या नहीं। मतलब भाई मुझे तो नजर आ रहा है, दो छपरी ये चारा खा लेती है और देखो भाई देखने में कितनी छोटी सी लग रही है और भाई इसकी डाइट बहुत अच्छी है। अब जल्दी से मुझे इन सभी के लिए एक सेटअप बनाना है दरवे के अंदर बढ़िया करके लकड़ी का, जिसके अंदर ये सारी अंडा दे। कभी तो भाई इसका पेट बड़ा लगता है, कभी भाई इसका पेट बिल्कुल पिचका लगता है, ऐसा लगता है भाई ये प्रेग्नेंट नहीं है। इसका भाई कुछ कंफर्म हो नहीं पा रहा है। ये देखो ये क्या कर रही है, ये देखो इससे भाई बहुत मजा आता है। ये देखो भाई एक चीज मैंने नोटिस की है कि जितनी भी देसी गाय होती है ना वो लाड़ बहुत पसंद करती हैं। मतलब जब भी उनका ओनर उनके पास आता है ना तो भाई वो ऐसे करती हैं। ये चीज मैंने पहली बार नोटिस की है कि भाई मेरे घर पे पहली बार ये हुई है ना, मिक्स है भाई घर की। और ये चाहती है कि भाई मैं पूरे दिन इसके ऐसे ऐसे करता रहूं, लाड़ करता रहूं इसे। जब भी मैं इसके थोड़ा सा भी इर्द गिर्द आता हूं तो ये आके मेरे पास खड़ी हो जाएगी। अगर मैं हाथ नहीं चलाऊंगा इसके ऐसे करके तो फिर ये अपने सिर से भाई डुम्मा मारेगी मेरे कि मुझे ऐसे 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 करके लाड़ करो। इससे आप देख रहे हैं और बाकी वो दोनों है, इनकी भाई एक आदत है जब भी मैं घर के अंदर आता हूँ ना वीडियो बनाता हूँ मैं बोलता हूँ तो ये बराबर बोलते हैं भाई। बहुत सारे कट लेने पड़ते हैं मुझे घर के, जो मुर्गा मर गया है सबसे पहले ये वाली हरकत वो करता था बट वो तो मर गया है। अब भाई इन तीनों ने करना स्टार्ट कर दिया है। अगर मैं अभी कुछ बोलता किसी के बारे बस इनका थोड़ा सा ही साउंड रिकॉर्ड किया है मैंने। मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, बहुत चिल्लाते हैं भाई। इनका भी कंपटीशन से चलता है बट जब मैं आता हूँ तब एक बार चेक कर लेता हूँ वो वाले आम अभी लगे हुए हैं या भाई किसी ने तोड़ लिए। ये भाई लगे हुए हैं, काफी बड़े बड़े हो गए हैं ये, कुछ दिन बाद इन्हें मैं तोड़ दूंगा वरना ये पक्के गिरने लगेंगे और मुझे तो भाई मिलेंगे नहीं। ये वाली फीमेल भी भाई बच्चा देने वाली है, ऐसा तो नहीं कि ये बाग के अंदर ही कहीं जगह बना रही हो बच्चा देने के लिए। और ये वाले भी बड़े बड़े हो गए हैं काफी, इन्हें भाई टिकारी कहते हैं और जो पहले दिखाया है वो दशहरी है। 15-20 तक आम निकल आने चाहिए। और बाकी तो भाई मैं पूरा बाग चेक कर ही चुका हूँ, किसी भी पेड़ पर कोई भी आम आया नहीं है। बस इन्हीं दो पेड़ों पर थोड़े थोड़े से आम आए हैं, मुश्किल से 30-40 ही आम होंगे तो और तो देखने का कोई फायदा है नहीं। भाई यार कितनी अच्छी जगह बनाई थी मैंने यहाँ पे गायों के लिए और भाई बहुत टाइम लग गया था मुझे यहाँ पे ये खूंटे बूटे गाड़ने में और बस एक ही दिन बांध पाया, फिर उसके बाद बांध ही नहीं पाया भाई। उस वाले सांड ने सारा कुछ गड़बड़ कर दिया और भाई यहीं पर रहता है, बस इस वाले अस्पताल वाली बिल्डिंग के पीछे एक बाग है वहीं पर रहता है। तो इसलिए भाई मैंने दोबारा नहीं बांधा क्योंकि अगर मैं दोबारा बांधता तो वो फिर से आता और भाई फिर से परेशान करता, तो इसलिए रिस्क नहीं लिया। और वैसे भी भाई अब थोड़े बहुत दिन की और बात है, फिर उसके बाद बारिश होना स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो मौसम वैसे ही ठंडा हो जाएगा। चलो भाई फिलहाल तो चलते हैं अब घर। तो फाइनली भाई यहाँ पर भी सारा खा लिया है प्याज उन्होंने और अब मैं श्यामा को बांध देता हूँ अंदर। रुको आ जाओ, आओ आओ। चलो भाई फाइनली इन सभी को अंदर बांध दिया है और अब भाई इन बच्चों को भी अंदर कर देता हूँ कि भाई उस दिन एक बच्चा फट गया था तो अब भाई रिस्क नहीं ले सकते हैं, अंदर ही करके जाता हूँ भाई, शाम को खोल दूंगा इन्हें आके। चलो अब इन्हें बंदी कर देता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।